आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर रीवा के रायपुर करसुलियान थाना क्षेत्र में कक्षा 12वीं की छात्रा का अपहरण किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। यहां रहस्यमय ढंग से लापता हुई छात्रा के परिजनों ने अपहरण का आरोप लगाते हुए अपहरण की थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के छात्रा के नाबालिग होने के कारण मामले में अपहरण का प्रकरण दर्ज किया गया है और छात्रा की तलाश की जा रही है। बता दें कि अपहृत छात्रा के व्हाट्सएप नंबर से परिजनों को एक फिरौती के लिए मैसेज भी आया है। हालांकि पुलिस को इस मामले से जुड़े कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पूरा मामला संदेहास्पद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अपहृत छात्रा की तलाश कर रही है। दरअसल यह पूरा मामला रीवा के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र का है, जहां लापता हुई कक्षा 12वीं की छात्रा के परिजनों ने उसके अपहरण की शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों का आरोप है कि छात्रा को अज्ञात लोगों ने अपहरण कर उसके ही व्हाट्सएप मोबाइल नंबर से फिरौती के लिए मैसेज भी किया है। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छात्रा की तलाश शुरू कर दी है, जिसका जल्द ही खुलासा किया जा सकता है।